हेलो डियर फ्रेंड्स, तो जो भी बच्चे सीयूटी पीजी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के लिए, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर, कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर, जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या हो, क्योंकि कई बच्चों से गलती हो जाती है और फिर बाद में आपका जो रिजर्वेशन है वो आप मिस कर देते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि सीयूटी पीजी के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे, मैं वेबसाइट पे हूँ सीयूटी पीजी की, सीयूटी पीजी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको दिखा देता हूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपका रखना है तभी आपका काउंट होगा, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार जैम के फॉर्म में कई बच्चों के साथ दिक्कत हुई है। सबसे पहली बात तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए। पॉइंट टू मिनट, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और आपसे गलती ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सर्टिफिकेट आपके पास अभी भी समय है, आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है। क्या लिखा है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकग्राउंड क्लास एनसीएल अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो भी आपके स्टेट है, मतलब सेंट्रल का सर्टिफिकेट बच्चे आपको बनवाना है। यहां से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपका हैंड रिटन बनता है आपके यहाँ पे तो आप इसको फिलअप करवा लें, अगर ऑनलाइन अप्लाई होता है कहीं पे तो आप उसको बोल देगा, जो भी आपके नियर बाई जनसेवा केंद्र वगैरह होते होंगे, कि सर हमको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए है, तो वो सेंट्रल वाला अप्लाई कर देगा, क्योंकि यूपी वगैरह में तो हमारे सेंट्रल का एक ही फॉर्मेट है और वो जब अप्लाई करता है बाई डिफॉल्ट यही फॉर्मेट में बन के आता है, क्योंकि सेंट्रल का फॉर्मेट यही है। ठीक है, ध्यान रखना आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। आप अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में काउंट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, तो ये आपको ध्यान रखना है सर्टिफिकेट में, द पर्सन ही सी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर, ये आपका मेंशन रहेगा बाई डिफॉल्ट अगर आपका सेंट्रल का बनवाओगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर एनी अदर जो है ये ऑफिसर का यहाँ पे रहेगा। तो ये बात ध्यान रखें बेटा, फॉर्मेट आपका गलत नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी ध्यान रखें बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाला भी आपका जो है इस तरह का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, सारी कंडीशंस हैं, आप इसको डाउनलोड करके फिलअप करके करवा दें, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट चाहते हैं। बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट ओबीसी वाले होते हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, तो आप ध्यान रखें स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल का चलेगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। लास्ट फाइनल रिमार्क दे रहा हूँ कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट रहेगा, क्योंकि बार बार बताता हूँ फिर भी नहीं सुनते लोग, बाद में मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर आप क्या करें, स्टेट का हो गया, और कई जैम के कई बच्चों का गलती हुआ है कि सर आप क्या करें, ये क्या करें, वो करें। अरे पहले से गलती क्यों करना जब आपको पता है, तो अभी आपके पास समय है, अगर आपके पास नहीं है सेंट्रल का तो अप्लाई कर दें, और फॉर्म जब फिल करें तो सेंट्रल का ही डालें। ठीक है, थैंक यू सो मच।